भाजपा नेता सह सांसद रामकृपाल यादव ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल में पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए। चिराग पासवान के सवाल पर रामकृपाल यादव ने बताया कि एनडीए में सब चीज़ ठीक है, जो लोग चिराग पासवान को लेकर सवाल कर रहे हैं वह अपने गिरे भवन में झांक कर तो देख लें, क्योंकि राजद पार्टी सही ढंग से चल नहीं पा रहा है और दूसरे की चिंता में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार बगैर किसी भेदभाव के गांव गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है। आत्मनिर्भर बिहार बना कर आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 15 साल से बेरोजगार बैठे राजद के कर्ता धरता अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यह बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने रविवार को बेगूसराय सटीक हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। राष्ट्रीय जनता दल में लोग घुटन महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, उन्हें जाके देखें, हमारा चिराग जल रहा है, हमारा चिराग एनडीए को प्रकाशमय करने का काम करेगा, ये समझा दीजिए उन लोगों को। अपना तेवर में अपना गिरवान मैंने झांके, 15 साल में कितना दिया नौकरी सरकारी, 90 से 94 हजार, हमने कितना दिया 6 लाख, अंतर तो समझती है जनता। और ये अपने लोगों की बेरोजगारी के लिए नहीं, अपने जो लगातार 15 साल से बेरोजगार हैं, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है, क्योंकि वो काल अंधेरा काल से उजाला काल प्रकाश काल में 15 साल के शासन में जाने का काम है। बहुत सारे क्या बोलता है निजीकरण कहाँ किया, रेल है कई, कहाँ किया है निजीकरण, कहाँ किया है, कौन कहता है कि निजीकरण हुआ, न निजीकरण हुआ है न भविष्य में निजीकरण होगा। एक बार नहीं कई दफा रेल मंत्रालय के माननीय रेल मंत्री ने सदन के प्लेटफॉर्म पर कहने का काम किया है, इसलिए कोई अगर कहता है तो बिल्कुल की बात कर रहा है। आप बता दीजिए कितना हुआ, कोई निजीकरण की तरफ हम नहीं है, हाँ सुविधा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, और धन जो धन है वो धन सीमित है, उसको बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है गांव गरीब और किसान। अगर हम सब पैसा खर्च कर देंगे तो हम गरीबों को उज्ज्वला का गैस कैसे देंगे, आयुष्मान भारत 1 करोड़ बिहारियों को कैसे देंगे, घर घर में शौचालय, घर घर में रोड, घर घर में ये जो गरीबों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अनेकों कार्यक्रम, वो कैसे चलाएंगे, हम रोड पुल पुलिया कैसे बनाएंगे। अभी दरभंगा में हवाई अड्डा खुल रहा है, सपना देखा था लोगों ने कि हवाई अड्डा दरभंगा में होना चाहिए, मैथिल की धरती पर प्रारंभ होने जा रहा है, कितना काम बताएं। कल से मैं बेगूसराय के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा मैंने किया है, और रात के 2 से 3 बजे तक लोग मेरे संवाद के लिए बैठे हुए थे, और मैं ये देख रहा हूँ, और लगातार मैं आज 7वां दिन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का मैं दौरा करके आया हूँ, आज भी मेरा बेगूसराय में ही दौरा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने जज्बा देखा है, जो उत्साह देखा है आदरणीय मोदी जी के प्रति, आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति, निश्चित तौर पर भारी मतों से हम विजयी होंगे, और 2/3 बहुमत हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, और हमारी सरकार एनडीए की बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बेगूसराय में जिस तरह से आदरणीय गिरिराज जी को अपना समर्थन लोगों ने दिया था, उसी तरह का समर्थन एनडीए के उम्मीदवारों को मिलेगा बेगूसराय जी।